लोकसभा चुनाव की तैयारी में ओम प्रकाश राजभर लगातार संघर्ष कर रहे हैं और उसी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। थोड़ा सा इनसे जान लेते हैं कि किस मुद्दे पे अभी तक सहमति बनी है भारतीय जनता पार्टी से। ये बताइए कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर लगातार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, सहमति कितने सीटों पर अभी तक बनी है? देखिए, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की वार्तालाप हुई है उनसे, अब ये सब स्पष्ट रूप से नहीं हुआ कि सीटों पे क्या कितने सीटें मिल रही है किस मुद्दे पे। तो गठबंधन हमारी, देखिए, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो रोहड़ी आयोग का है वो रिपोर्ट को लागू कराना है और सरकार सहमति जता चुकी है, आपने देखा, और बातचीत चल रही है। कितने सीट मिलेंगी अभी कोई स्पष्ट नहीं हो पाया है। हाँ। हम लोगों की जानकारी में आप लोगों का क्या रुझान है, कितना सीट लेना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी? हमारे को तो 4 से ज्यादा से ज्यादा मिल गया, 80-80। कितना चाहते हैं सीट लेना भारतीय जनता पार्टी से? देखिए, ये काम नेतृत्व का है, नेतृत्व जो बैठ करके अपना निर्णय लेगा उसको हम लोग फॉलो करने का काम करते हैं। हाँ। ये हम लोग का काम है, हम लोग का जमीन पे काम करना है, हम लोग कार्यकर्ता, हम लोग जमीन पे काम करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, कार्यकर्ता जरूर हैं लेकिन कभी मन में नहीं आता है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़े हैं? देखिए, विधानसभा लोकसभा पार्टी का नेतृत्व जो कहेगा वही हर कार्यकर्ता करता है। नेतृत्व आपके मन में कभी आया है कि नहीं लालसा? ये देखिए, आदमी काम करता है, कहीं ना कहीं जब नेतृत्व का आशीर्वाद मिलेगा तो आदमी कहीं ना कहीं जरूर लड़ेगा। सिर्फ ओम प्रकाश राजभर तो परिवार ही में उलझे हुए हैं, सिर्फ चाहते हैं कि अपने उनके बेटे विधायक बने और मंत्री बने और सांसद बने। अच्छा बताइए, कौन व्यक्ति ऐसा है इस धरती पे कौन नहीं चाहता कि मेरा बेटा बने? डॉक्टर अगर है तो चाहेगा कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, मास्टर है तो चाहेगा कि मेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर मास्टर इंजीनियर बने। तो क्या आपको सिर्फ ये रखा गया है कि पार्टी का बैनर पोस्टर ढोने के लिए? ऐसी बात नहीं है, आप लोग समझिए कि हर कार्यकर्ता का सम्मान, हर कार्यकर्ता का इज्जत पार्टी में है। और जिस पार्टी में बस सिर्फ इज्जत यही है कि पास पार्टी का झंडा ढोएंगे, जब ऐन मौका आएगा तो अपने बेटे को चुनाव लड़ा देंगे वो। ऐसी कभी नहीं ना हुआ है, हमेशा मतलब नेताजी ने अभी ज्यादा दिन नहीं, विधानसभा में ही देखने को मिला अपने बेटे को अरविंद राजभर को चुनाव लड़ा दिए। हाँ, तो अरविंद राजभर जी चुनाव लड़े थे, उनके साथ साथ हम लोग 16 सीट पर चुनाव लड़े थे, हर जगह मतलब लड़े। कार्यकर्ता जी नहीं दिखाई दिया जो दमदारी से लड़ता हो? कार्यकर्ता कहे ना दिखाई दिया लड़ रहा था, तो बनारस में कार्यकर्ताओं को लड़ना चाहिए था ना चुनाव? देखिए, समय आएगा तो सब चुनाव लड़ेंगे कार्यकर्ता। समय खत्म हो गया क्या? लगभग 2500 सालों से ये पार्टी एकदम अस्तित्व में है, लगातार संघर्ष करिए, तो सिर्फ आप लोग सिर्फ बैनर पोस्टर ढोने के लिए है सिर्फ ओम प्रकाश राजभर को? काहे नहीं, समाजवादी पार्टी के कितने राजभरों को दी है वोट? 2012 में सरकार में आए थे, सरकार में थे तो राजभर समाज को काहे ना दे दिए भाई? सामाजिक न्याय की रिपोर्ट की लागू करवा दिए होते, आरक्षण दिया दे देते, काहे ना जाति बताइए। राजभरों के नेता किसको मानते हैं, अनिल राजभर को या ओम प्रकाश राजभर को? ओम प्रकाश राजभर के। तो ये अनिल राजभर क्या है? वो कुछ नहीं है हमारे लिए, कुछ नहीं है अनिल राजभर, कुछ नहीं है। अगर सब इलेक्शन लड़े लगेगा, सबको टिकट मिलेगा तो कैसे चलेगा पार्टी? तो सिर्फ आप लोग बैनर पोस्टर ढूंढने के लिए हैं? जब हम लोग वो लायक करेंगे, हम लोग लड़ते नहीं लड़ाते हैं। अच्छा, किंग मेकर हैं आप लोग। पहलवान के अखाड़े पर लड़ाते हैं। हाँ। और लड़ा करके हम लोग पहलवान निकालते हैं। तो अनिल राजभर को क्या मानते? कुछ नहीं मानते हैं। अरे भैया, अरे कुछ नहीं मानते, कुछ नहीं उसके माने, कुछ नहीं राजभरों का, कुछ नहीं है, मंत्री है वो, वर्धा के खिलनी जो होता है उसको भी नहीं मानते हैं हम। भैया, अनिल राजभर को क्या मानते हैं? देखिए, वो विधायक हैं, भाजपा में मंत्री हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। तो अनिल राजभर को क्या मानते हैं, बता तो रहे हैं क्या? विधायक हैं, मंत्री हैं। नहीं, विधायक नहीं, मसीहा हैं कि नहीं राजभरों के? ये आपको दिख रहा है ना, राजभरों का लड़ाई कौन लड़ रहा है ये आपको दिख रहा है? अनिल राजभर भी लड़ रहे हैं, उनके साथ तमाम सैकड़ों राजभर हैं। देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश का चुनाव इर्द गिर्द हम आपको बता दें राजभर जी से है। राजभर जी जिधर जाएंगे उधर ही सरकार बनेगी, ये तय है। भैया, राजभर को तो आप ठप्पा लगा दिए लेकिन प्रजापति समाज आपसे जहाँ तक उम्मीद है कि जहाँ ज़्यादा है राजभर के भी प्रजापति समाज के भी नेता चुनाव मैदान में हैं, महेंद्र नाथ पांडे को चुनौती भी दे रहे हैं जिनका नाम है राम गोविंद प्रजापति, वो भी कह रहे हैं कि हमारे समाज के नेता हैं, हम भी इस बार ताल ठोकेंगे। तो आपको नहीं लगता है कि वो भी एक नेता उभर रहे हैं? देखिए, वो थे दल में ही थे, जब दल में उनको पहचान दिए
लोकसभा चुनाव लड़ाया गया। भाई पहचान तो जड़ तो हमारे ही दल ने से मिला। अच्छा शशि प्रताप सिंह मुर्दे आपके राष्ट्रीय पार्टी के जो नेतृत्व हैं अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं, क्या कहेंगे? किसके खिलाफ मोर्चा खोल दिए? ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ मोर्चा नहीं खोले हैं वो, नेता जी को वो चर्चे में लेके आ रहे हैं। क्या कहेंगे शशि प्रताप सिंह को? जिसे शशि प्रताप सिंह जी जितना चर्चा कर रहे हैं वो हम लोग के पार्टी का उतना ही बढ़ोतरी हो रहा है। बढ़ोतरी हो रहा है, क्या कहेंगे भैया शशि प्रताप सिंह को? ये तो नेताजी का नाम लेके जिंदा व्यक्ति हैं। बंद कमरों में जैसे होता है ना, इस समय घोसी में आप देखेंगे ना छुर्री बम चल रहा है, फुसी बम देखे हैं पत्रकार? फुसी बम, छुर्री बम, फुसी बम, उससे कोई छितर बितर नहीं होता है। तो वही घोसी में इस समय चल रहा है और यहाँ पे बनारस में दो ठो हैं जो घर में रहकर राजनीति करते रहते हैं। किसको, कौन है वो? अरे जिसका नाम लिए हैं अभी। कौन नाम? अभी तो ले सकते हैं। अभी आप नाम लिए ऐसे व्यक्ति का क्या नाम लें? हाँ। जिसका कोई पहचान नहीं है हमारे, क्या उनसे? अरे डर क्या, हमारे नेता के नाम से वो जिंदा है तो मैं कौन कैसे लूं भाई? हाँ आप ही तो पूछ रहे हैं। क्या मानते हैं आप भाई? जब पार्टी में रहे थे बहुत कुछ मानल गया, ये वक्त कुछ भी नहीं मानते हम लोग। नेपा को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चुके, ओ भलाई कुछ हो जाए लेकिन हम लोग अपने नेता के छोड़। अच्छा ठीक है, एक सवाल है सारे लोगों से, सारे आप लोग कार्यकर्ता हैं, आपके जो नेता हैं क्या वाकई राजभरों के मसीहा हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए राजभर समाज को कौन जानता था, 2002 से पार्टी बनी, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का आज पहचान, देश का ताकतवर नेता, आदरणीय प्रधानमंत्री जी। किसको मानते हैं राजभरों का नेता? हाँ मानी ओम प्रकाश राजभर जी हैं। अच्छा सलीम किसको कहते हैं लोग? सलीम नहीं, लोग असलम कहते हैं। असलम, असलम नेता कौन है? देखिए लोगों की जो प्रतिक्रिया होती है कभी कभी जब एक ही असलम नेता पता है जी कौन, किसको कहते हैं लोग? असलम नेता हमें नहीं पता है, आप बता दीजिए। आप ही बताइए ना हमको तो, हम तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने नेताजी को जानते हैं कि समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं और समाज को इस पैदान पे पहुंचा दिया। आज हमारे 6 विधायक हैं भाई, आज हम लोग सत्ता शासन में हैं। एक और सवाल है, ओम प्रकाश राजभर लगातार भारतीय जनता पार्टी को गाली देते गए हैं लेकिन अनिल राजभर के सामने जाते होंगे तो क्या कहते होंगे? अभी देखे हैं, अभी आज तक आमना सामना नहीं हुआ है। ये तो जब कटाक्ष जब चुनाव आता है तो एक दूसरे को कटाक्ष किया जाता है, ये बाढ़ होता है चलाया जाता है। क्या कहेंगे? ऐसा ना कि समय आने पर जहाँ फायदा होने वाला वहाँ चले जाते हैं। अच्छा ओम प्रकाश राजभर फायदा के लिए? हाँ ठीक है, देखिए सही बात बता रहे हैं कि जहाँ फायदा होता है वहाँ ओम प्रकाश राजभर चले जाते हैं। तो देखिए ये पार्टी के कार्यकर्ता हैं और लगातार ये लोग अपने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर हैं। ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।